अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सो वेलकम बैक टू वियना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो, खैरियत से होंगे। जो सुबह सुबह का टाइम है, हमने सोचा कि अभी तो सुबह हमें छुट्टी आए, संडे है, संडे आज हमने मंडी भी जाना है, बर्ड मार्केट जो लगती है। पहले सुबह सुबह का टाइम है, हम सारी हमारी सारे एनिमल्स हमारे बंद पड़े हैं। मैं सोचा इनको निकाल कर छोड़ के भाई कुछ दाना पानी डाल दें और फिर चलते हैं हम बर्ड मार्केट से, छोड़ते हैं अभी। आज बर्ड मार्केट से हमने बहुत कुछ लाना है भाई। ये क्या हुआ, आज आ जाओ, आपने भी कोई अंडा नहीं है, एक अंडा नहीं दिया। एक दो तीन चार मुर्गी हैं, चार मुर्गियों में से एक मुर्गी ने भी अंडा नहीं दिया। चलो भाई आप तो जाओ, गब्बर सिंह। और हमारी एक इन्होंने दिया माशाल्लाह, ये हैं हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। इसने तो नहीं दिया था, इसने दिया होगा हमारी काली मुर्गी ने। तो एक अंडा दिया हुआ, इसको उठाएं कैसे, इसको उठाते हैं भाई। अभी डब्स हैं, इन डब्स को बाहर निकालते हैं क्योंकि इनको बहुत अरसा ही हो गया, हमें बाहर नहीं निकाला। मैंने बाहर की आबो हवा देखी नहीं है, हमारी सारी मुर्गी देख सकते हैं आप उड़ के जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से एक पानी का बर्तन उठा के यहाँ बाहर रख दिया, केज में दाखिल हो गए हैं। केज में से अंडा उठाते हैं, अंडा उठा के फिर रखते हैं बाहर। ये पता है ये खरगोशों हमारे की काम है, ये सारे खुद निकालते रहते हैं और फिर ये बंद करते रही हैं। अब वहीं पर घर में बड़े हैं, आपको खरगोश भी दिखाते हैं। और हमारी मुर्गियाँ बंद पड़ी थी, आप देखो छोड़ी, हमने खुश हो गए, वो देखा इधर से पीछे भाग रही हैं। यार फाइनली हमने अपना अंडा उठा दिया, अब हमारे खुमरे देख सकते हैं आप, खुमरे बहुत प्यारे लग रहे हैं बाहर और बिल्कुल खुश हो गए हैं। अब अंडा देख के आते हैं घर, फिर आते हैं, हमारी मुर्गी सारी खुश हो गई। दोस्तों अब हम अपने कॉटन पैड भी बाहर ले आए हैं, कॉटन पैड को वहाँ रखते हैं बाहर। ये भी बाहर की आबोहवा देख लें, इनको भी काफ़ी दिन ही हो गए बाहर नहीं निकाला। आज हमने सोचा इनको भी बाहर निकाले, यहाँ छुट्टी है, सब परिंदों को मोट कराएंगे, इनको दिन के साथ रख देते हैं। अभी मजा आएगा ना, बारी हमारे डोली डक्की की, उनको छोड़ते हैं बाहर निकालते हैं। आप आओ, आ जाओ आ जाओ, ये देखिए कितना गंद किया हुआ है, इनकी सफाई भी होने वाली केजेस की। और हमारे रैबिट्स, रैबिट तुम तो कोई खुश कर भी देते हो यार। नहीं, हमने अपनी साइड पेंट तो छोड़ दी है, अब हम चलते हैं बर्ड मार्केट। बर्ड मार्केट से जाते हैं और देखें, अभी रैबिट्स हमारे बाहर आ गए हैं। रैबिट्स हमारे सुस्त हैं, पता नहीं अंदर सो के आए, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो अभी अपन देते हैं डस्ट को पानी, ना नीचे ने मुँह मार रही है वो देखें, और ये देखें क्या कर गई, गंदे बच्चे। पानी डालते हैं इनको, पानी डाल के फिर चलते हैं हम, वो देखें वो देखें, पता था मुझे इनका, पता था मुझे इनको। अब डालते हैं अंदर, पाइप को यहाँ रखते हैं, यहाँ प्लाट में रखना सही नहीं है, यहाँ रखते हैं, यहाँ कुछ फुल हो जाएगा ना, फिर हमारी डक्स तैयारी भी कर सकती हैं। और दोस्तों आज हमने एक और काम भी किया, काम वो हमने ये किया कि हमने अपने सब ये पौधे की, ये हल्की हल्की ना ये बड़ी हुई थी, हमने ये दिए काट दिए हैं, क्योंकि ना यहाँ पर छाँव होती थी, सारा जंगल बना पड़ा था, जंगल हमें ठीक नहीं लग रहा था। अब हमने ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और वहाँ देखे हमारे मुर्गियाँ पानी पी रही हैं, डक्स को उन्होंने भगा दिया, मुर्गियों ने। डक्स कहाँ गई, डक्स डक्स, ये देखें ये, यहाँ पर हम ना अपना वेस्ट मटेरियल होता है यहाँ डालते हैं, हमारी मुर्गियाँ सारी खा जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर ना धूप बहुत तेज़ है, सुबह सुबह अभी 10 बज रहे हैं तो धूप बहुत तेज़ आ गई है। हमारे कॉकटर पैर ना यहाँ धूप में खड़े हैं अभी, इनको ना हम अंदर रख के आते हैं। फाइनली यार हमने अपने कॉकटर पैर को अंदर रख दिया, अब हम पानी देखते हैं, पानी वो पानी तो फुल हो गया, जल्दी से पंप बंद करते हैं। तो हमारी डब्स कितनी खुश हुई खड़ी है। और दोस्तों हमें घर से मिला है ये रोटी है या आलू की छिलके हैं, सब चीज़ें। पहले हम डालेंगे अपने रैबिट्स को, ये मुर्गियाँ देखे कैसे आएंगी, पहले हम रैबिट्स को डालेंगे। रैबिट्स खाओ खाओ, खा लो खा लो, आप जाओ रोटी खा लो, खाओ खाओ खाओ। ये मुर्गियाँ कुछ नहीं खाने देती इनको, ये रोटी खा रहे हैं, ये इसके काम देखो मोटी के, उससे खींच रही है हमारे रैबिट से लेके भाग गई। तो हमने रैबिट्स को डाल दिया, अब यहाँ पर रख दे, हम यहाँ इस साइड पर डाल देते हैं, सारी मुर्गियाँ आके खा लेंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो हमारे डक्स देखें पानी में नहा रही हैं और पानी पी रही हैं। दोस्तों हम चलते हैं बर्ड मार्केट। तो दोस्तों अब हम ना बर्ड मार्केट में एंट्री हुई, तो हमें सवन भाई मिले, सवन भाई से मिले, पिक्चर लिए, और फिर हमने वहाँ से मंडी में से बर्ड मार्केट में से मुर्गियाँ ले ली और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। यार हम पहुँच चुके हैं घर, अपनी मुर्गियों को छोड़ने लगे हैं। चलो यार चेक कर लो भाई, जिंदा भी हैं, तीन दो दो आ गई, चार और पांच छोड़ दिए हमने। फाइनली यार हम अपने सेटअप पर वापसी आ गए हैं, मुर्गियों को हमने यहाँ छोड़ दिया था, मुर्गी को बाद में ना
ये बड़ी वाली मुर्गी मारने लगी। हमने फिर मुर्गियों का क्या किया, पकड़ के उस छोटे खुडे में डाल दिए, छोटे केजीज है ना यहाँ पर, ये यहाँ बंद कर दिया था हमने। अब इनको निकालते हैं, अब देखते हैं क्या रवैया करते हैं ये मुर्गी नए। ये नई जो चीज़ आती है ना इनको बहुत मारते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे निकल नहीं रही है, तो खुद निकालना पड़ेगा। और आओ, अब आई ना, चल 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 चलो चलो भाग जाओ यार, कभी बाहर भी निकल लिया करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब हम बर्ड मार्केट गए थे, बर्ड मार्केट में हमें ना समंत भाई मिले थे, आपको हमने पिक्चर में भी आपने देख लिया होगा, बर्ड मार्केट में जब गए थे समंत भाई के साथ हम मिले, उनसे उनका वो जो पेट सेटअप है वो सेटअप का ही पूछा, उन्होंने बताया हमें। फिर हमने उस टाइम बाद में ना थोड़ी सी बात की उनसे, फिर हम ये अपनी मुर्गियाँ ले के घर आ गए। दोस्तों हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, आप हमें व्यूज देते हैं, व्यूज़ देख लो, 50-60 व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए, बस हमें आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, आप हमारे 4,000 आइटम पूरे करें, और जब हमारी चीज़ पूरी हो तो हम ये सारी जगह भर देंगे, फुल VIP कर देंगे, हमारा मिनी जू आपको देखने देखेंगे आप कैसा हो रहा है, दिन ब दिन तब्दीली आएगी। अब हम यहाँ पर भी एक केज बनाएंगे, यहाँ पर हम अपने पिजन रखेंगे। ड्राइवर्स को दोस्तों हम छोड़ गए थे बाहर, पता नहीं वो कहाँ गए, अब उनको केज में देखते हैं, केज में होंगे तो ये देखेंगे, यहाँ पर ये लेटे होंगे, ये लेटे ही रहते हैं, लेटे ही रहते हैं, कोई खुशखबरी नहीं दे रहे यार। दोस्तों आप बताएं क्या हम इनका इलाज करें, रैबिट्स को आए हुए हमें कम से कम 5 से 4 माह हो गए हैं, लेकिन ये कोई अंडे नहीं दे रहे, अंडे तो देते नहीं है, बच्चे नहीं दे रहे। ये देखें अब सुस्ती के मारे ऐसे हैं, बाहर निकले थे वहाँ से हमें रोटी डाली, वो छिलके छुलके मुझे तो मुर्गी खा गई होंगी, वो खा के फिर अंदर चल गए, बाहर फिरते ही नहीं है। हमारे खुमरे बिल्कुल खुमरे कह रहा हूँ इनको, डब्स ये फुल मस्ती में है, ये देखें आप माशाल्लाह ये बहुत प्यारे हैं। इनको बाहर निकाल दिया जरा ना, हवा आया अंदर ना, यहाँ घुटन सी महसूस हो रही थी मुझे भी, मैंने फिर छोड़ा इनको बाहर निकाल दें आज। अब आप देखिए हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, व्यू आते हैं कोई, सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी, तो हमारे पास जिस भाई ने हमारे फैली पेट हाउस को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जल्दी बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि हर आने जाने वाली वीडियो से आपको रबते में रहें। और हमने अपनी सारी मुर्गी को छोड़ दिया है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी जो नई मुर्गियाँ वो कैसी लगी, 5-6 मुर्गियाँ ले आए हैं, और ऐसा ऐसा हम इन जो में इजाफे की तरफ ही बढ़ते रहेंगे, और हम ये पिजन भी काफ़ी सारे पिजन यहाँ पर रखेंगे, एक ये केज होगा, ये भी केज भी, इसमें थोड़ी सी मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों को थोड़े साइड पर करके ये केज हम फुल कर देंगे पिजन से। और आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपको हमारी जो नई मुर्गियाँ आई हैं 5 देसी, वो आपको कैसी लगी। ये फिर भी अभी इतनी धूप है, फिर भी यहाँ पर ना ये नहा रही हैं, तो ये हमारे डक्स ना इंजॉय कर रहे हैं पानी, उस टाइम को मैं डाल के गया हूँ, अभी टाइम देखें। अभी मिट्टी पहले हमने गीली कर दी, सुबह सुबह गीली करे थे, क्योंकि ना ये मिट्टी जज्ब कर लेती है पानी, पानी जज्ब कर ले फिर हम बारे ना पानी, पानी ना दोबारा नीचे नहीं जाता। अब देखें हमारी ये डोली डक्की कैसे ना आ रही है, फुल भीगी पड़ी है फुल, हमारी सारी मुर्गियाँ वहाँ बैठ गई, कुछ बो रही कुछ ये रही, सारी ये भेज रही हैं। अभी हम कल ना कल या परसों कल लाद भी हम इनके साइज सफाई भी कराएंगे, और सब की सफाई हो जाएगी, बिल्कुल प्यारा हो जाएगी ये, इसका ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, और जो छत है इनकी छत भी बिल्कुल ना पानी, बारिश आती जब नीचे पानी आता सब, ये छत का काम भी हम पूरा करवाएंगे। तो यही दोस्तों आज की हमारी अच्छी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो मैं वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पहली पैटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। और हमारी मुर्गियाँ आप देख सकते हैं दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है, डाल दें कभी बिल्ली ना पड़ जाए इनको, आप अंदर ही जाओ भाई, आपका भाई रहना मुनासिब नहीं है। चलो यहाँ पर ताला लगा देते हैं।